संभल के नखासा थाना क्षेत्र में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर दबंगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पथराव कर रहे 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जिसे पुलिस गिरफ्तार करने गई वह आरोपी मौके से फरार हो गया। पथराव के बीच खुद को घिरा देख पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद CO संभल तत्काल बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पथराव में घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस पर पथराव की सूचना मिलते ही SP और SP फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही टीम बनाकर पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। आपको बता दें कि पथराव करने वालों में मुख्य आरोपी गुलजार समेत 9 आरोपियों के खिलाफ, नामजद समेत 15 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार राय सत्ती चौकी इंचार्ज अश्विनी कुमार गुरुवार को अपने 2 सिपाहियों विकास और कपिल के साथ दीपा सराय में सपा सांसद के मोहल्ला रोजे वाली मस्जिद गली में रहने वाले रिजवान को पकड़ने गए थे, जिसे पुलिस ने उसके घर पर ही घेर लिया। इस दौरान घर के बाहर पुलिस को देखकर आरोपी और उसके परिजनों ने चौकी इंचार्ज समेत पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद मोहल्ले के अन्य लोग भी पुलिस पर पथराव करने लगे। इस दौरान गुलजार नाम के व्यक्ति द्वारा पथराव करते वक्त एक पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पथराव के दौरान मोहल्लेवासियों की मदद से आरोपी रिजवान मौके से भाग निकला। इस बीच चौकी इंचार्ज अश्विनी कुमार ने पथराव की घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद CO जितेंद्र सरगम नखासा कोतवाली और हयातनगर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पथराव कर रहे 6 आरोपियों को दबोच लिया, जिन्हें पुलिस थाने ले गई। वहीं पथराव में फंसे 3 घायल पुलिसकर्मियों को बड़ी मुश्किल के बाद निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। SP चक्रेश मिश्र ने बताया कि नखासा थाना के रायती चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ धारा 307 के वांछित आरोपी को पकड़ने गए थे, जहां पुलिस टीम पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। वहीं मौके से पुलिस पर पथराव करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 लोग नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस की कई टीमें बाकी फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। जल्द बाकी आरोपी भी जेल जाएंगे। थाना नखासा के अंतर्गत मोहल्ला दीपासराय में पुलिस की एक टीम आज चौकी इंचार्ज व 4 कांस्टेबल के साथ में एक 307 के अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार करने के लिए गई हुई थी। रिजवान के परिवारजनों के द्वारा उसको वहां से भगाने का प्रयास किया गया और इस क्रम में पुलिस टीम के साथ में मुजामत की गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनको अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। इनके सामान्य चोटें हैं। इनके द्वारा, इसके परिवारजनों द्वारा पुलिस बल पर अपने छत से पथराव भी किया गया। इसके पश्चात पुलिस के द्वारा इनके विरुद्ध धारा 307 7 CLA एक्ट 332 353 व अन्य IPC की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 10 लोग नामजद हैं, 15 लोग अज्ञात हैं। इनमें से 6 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। बाकी सभी लोग अभी भागे हुए हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर व गुंडा के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी।